हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेयर टिप। दोस्तों, आज हेयर ट्रांसप्लांट को लेके एक जरूरी बात आपसे करना थी। काफी सारी मेरे पास ऐसी कमेंट्स आती है और कंटिन्यू ये कमेंट आती है, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराता है उनकी कमेंट आती है। तो दोस्तों, क्या होता है, जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब आपके ग्राफ्ट लगते हैं तो ये जो भी आपके ग्राफ्ट लगते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे लगे थे, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो यहाँ पे मेरे ग्राफ्ट लगे थे। तो ग्राफ का मतलब ये जो बाल आपके लगते हैं, जो जड़ें लगती है बालों की, उनको ग्राफ कहते हैं। जड़ से जो पूरे बाल है उनको ग्राफ कहते हैं। तो जो भी ग्राफ लगते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो डॉक्टर लगाते हैं, तो जब उसको लगाते हैं तो उसमें से कुछ थोड़ा सा ब्लड आता है ना, वो कंटिन्यूसली उस समय तो साफ करते हैं, पर जब आप ट्रांसप्लांट करा के बाहर घर आ जाते हैं उसके बाद भी उसमें थोड़ा सा ब्लड आता है। वो क्या करता है, यहाँ पे जम जाता है बालों की जड़ों में, जो नए बाल आपके लगाए हैं वहां पे जड़ों में जम जाता है ना, वो ब्लॉकेज बन जाती है ब्लड की थोड़ी थोड़ी सी। तो दोस्तों, जहां भी आपके बाल लगाते हैं वहां पे क्या होते हैं, ब्लॉकेज बन जाती है, थोड़े थोड़े से ब्लड के थक्के बन जाते हैं जड़ों में जो बाल लगाते हैं वहां पे। और उनको क्या करना रहता है, हमें 10वें रोज वॉश करना रहता है, 8वें या 10वें रोज जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं उस दिन आपको उसको वॉश करना रहता है शैम्पू से। और दोस्तों, ये भी बताना चाहूंगा, शैम्पू यहाँ पे आपको डॉक्टर अगर कोई सा नहीं बताते हैं तो आपको जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का शैम्पू लेना रहता है दोस्तों, उसी शैम्पू से वॉश करें। अब अगर डॉक्टर कोई सा दूसरा आपको देते हैं तो ठीक है, वरना अधिकतर डॉक्टर जो है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का शैम्पू ही बोलते हैं, वही शैम्पू आपको लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है किसी को। तो उस शैम्पू से आपको जो वॉश करना रहता है। और यहाँ पे क्या कमेंट आती है कि जब भी वॉश करते हैं तो कुछ ग्राफ जो आपके बाल लगे हैं, जो नए ग्राफ यहाँ पे लगे रहते हैं, तो कुछ बाल भी संग में आ जाते हैं ना, वो ब्लॉकेज तो इतनी है संग संग में, ब्लड के थक्के थोड़े थोड़े से जो रहते हैं, जो जम जाते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं, पर उनके सब कुछ बाल भी आते हैं, जो नए बाल आपके लगाए, इतने इतने बड़े बाल जो उनके थोड़े से साइज बढ़ जाते हैं, उनकी इतनी बड़ी साइज हो जाती है उस समय तक 10वें रोज तक, है ना, तो वो भी आते हैं, कई सारे बाल भी आ जाते हैं, किसी किसी के ज्यादा बाल भी आ जाते हैं, 20-25 बाल भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पे लोग घबरा जाते हैं, ये कंटिन्यू फिर वहां से चालू हो जाते हैं झड़ना, जब तक आपका शेडिंग फेज चलेगा, जब तक ये झड़ते रहेंगे, मतलब महीने भर या फिर 1.5 महीना 2 महीने तक भी ये बाल झड़ सकते हैं। ये क्या होता है, जो भी आपके ट्रांसप्लांटेड बाल लगे रहते हैं, ये हो सकता है कि पूरे बाल आपके झड़ जाए। ये बाल जो रहते हैं ना दोस्तों, ये ऊपर के जो भी जो उस समय बढ़ते हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद में 10-15 रोज तक बढ़ते हैं, उसके बाद ये झड़ते हैं, पूरे झड़ जाते हैं, या हो सकता है 70% झड़ जाए। फिर क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे नए बाल आना चालू होते हैं, इनकी जड़ अंदर रह जाती है ना, ये ऊपर के जो बाल लगाए रहते हैं ऊपर ऊपर के, वो झड़ जाते हैं, पूरे भी झड़ सकते हैं 70% या फिर कुछ मात्रा में झड़ सकते हैं, और जितने बढ़ जाएंगे वही बढ़ेंगे, है ना, जितने बच जाएंगे वही बढ़ेंगे, और जितने झड़ जाएंगे वहां पे से नए बाल आएंगे दोस्तों। क्या होंगे, जो जड़ अंदर रह जाती उसमें से पहले बेबी हेयर आते हैं, छोटे बाल आते हैं, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और उनको डेवलप होने में 6 महीने साल भर भी लग जाता है दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे रिजल्ट को आने में साल भर भी लग जाता है, तो साल भर में ही जो है आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा हेयर ट्रांसप्लांट का। और ये जो बाल है शेडिंग फेज जो है आपका 2 महीने तक चलता है, किसी किसी का 1.5 महीने चलेगा, 1 महीने चलेगा, पर 2 महीने तक शेडिंग फेज चलता है नॉर्मली जो देखा गया 2 महीने तक। उसके बाद जो है अगर आपकी स्किन पूरी प्लेन भी हो जाती है, मान लो जहाँ पे आपके ट्रांसप्लांट बाल लगे नए वो जगह पूरी खाली हो जाती है, तो 2 महीने बाद वहां पे वापस से बाल आने लग जाएंगे और 1 साल में वो कंप्लीटली भरा जाएंगे और अच्छे घने बाल जो है आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी बाल आपके झड़ते हैं वो नॉर्मल है, हेयर वॉश के समय झड़े तो कोई टेंशन नहीं लेना, जो भी नए बाल लगे वो झड़ना ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों, वो पूरे झड़ेंगे और वहां पे फिर नए बाल आएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आप मुझसे हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में पूछते रहते हैं, कौन सा बेस्ट ऑयल है, मिनोक्सीडिल कौन सा बेस्ट है, डर्मा रोलर वगैरह आप सब पूछते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सारे की दे देता हूं और सारे प्रोडक्ट नीचे दिए जो हेयर के लिए बेस्ट रहते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में सब मैंने मेंशन कर दिया, आप चेक कर सकते हैं, और आशा करता हूं ये सब आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपने बालों का ध्यान रखिएगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।